सरकार ने अस्पतालों में रोगियों के लिए सारी सुविधाओं को उपलब्ध किया गया है। यह मुद्दा सिकट पंचायत की है, जो कि बराड़ी प्रखंड के कटिहार जिला का ही अंतर्गत पड़ता है। इस पंचायत की अंजलि देवी, जो कि प्रसव के लिए उसके हॉस्पिटल लाया गया था, और हॉस्पिटल में प्रसव के बाद उन्हें 10 मिनट के बाद कॉपरेटिव लगा करके और डॉक्टर नर्स की लापरवाही से उन्हें मौत हो गई। अस्पताल ले जाने के बाद 11:20 में हमको बाबू हो गया। पेशेंट को हम उठा करके चाय पान खिला दिए। चाय पान खिलाने के बाद में बोला नर्स की हम इसको कॉपरेटिव लगाना है। तो हमने कहे कि हम ये सब काम नहीं देखे हैं, नहीं करने देंगे। क्यों कपड़े लगाने के लिए वो क्यों बोली नर्स ने? वो बोला कि तुमको साले साल बच्चा होता है, अगर कपड़ोटी लगा लोगे 3 साल का तो नहीं होगा। आगे क्या हुआ कि हम चला गए नाश्ता खाने के लिए, थोड़ा सा चाय पीने के लिए। वो बीच में ही क्या कर दिया नर्स यार आशा मिल करके, वो बाबू हमको मालूम नहीं। वहाँ से आए तो हमारा पुतों का गोड़ हाथ खींचने लगा। उसका बाद में डॉक्टर आए, वो कहा कि एक फरन दे दो, एफ एम दे दो, रेफर कर दो यहाँ से, रेफर यहाँ से कटिहार का कर दो। तो हम उससे बोले डॉक्टर से कि रेफर जो कर रहे हैं आप सर, हम ले जाएंगे कैसे? तो अपना नहीं, अपना गाड़ी से आप ले जाओ। तो हमने कहा कि टेम्पू से कितना देर लगेगा कटिहार जाने में, तो हमको एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस। तो वह कहा कि डॉक्टर साहब कि एम्बुलेंस बिहार बंद है। मरीज को उठा करके कुछ दूर ले गए तो मरीज तो हमारा डेड खा गया। हम वहाँ से हमको ये फॉर्म का भी टिकट पैसा अति कागज नहीं दिया। वहाँ से घूर करके रोड पर से हम घूर के आए उससे ये फॉर्म लिखाने के लिए। तब तक में हमारा पुतो जो था डेड खा। फिर वहाँ पे क्या क्या हुआ? वहाँ पर तब आया अति पत्रकार बाबू, उसको भी गोर धरे तो कोई हमारा सुनवाई नहीं किया। यही 2 महीना पहले हम भतीजी कर को ले करके गए हैं वही हॉस्पिटल में। हमारा भतीजी को मैंने बाल बच्चा होने में कैंची लगा दिया, उसका बच्चदानी है, 1 बाल्टी खून गया। अब 2 सेर जाए या 10 सेर जाए, भतीजी हमारा हो गया बेहोश। तब वहाँ से फॉर्म लिख करके बुलेंड से लेकर के हम कटिहार गए हैं। उसमें हमको 12,000 रुपया खर्चा हुआ। चोटे अगर 12,000 उसमें खर्चा किए बाबू, तो फिर इसमें कहाँ से खर्चा करते? फिर आप क्या चाहते हैं? हमको सहयोग चाहिए। नर्स के ऊपर कार्रवाई हुआ जाए? हाँ, नर्स के ऊपर में कार्रवाई नहीं होगा तो बलों को बंद किया जाए। तो बार बार आज हमारा साथ में ऐसा हो गया, 4 कांड हमारे साथ में 3 कांड हो गया। एक बार फिर भी बेटी को लेकर के गए हैं। 9 बजे का गया हुआ, 4 बजे दिन में हमारा मरा हुआ नाती पैदा किया। क्या आप लोग जाते हैं जब हॉस्पिटल में, क्या वो जो है कि सिस्टर लोग नर्स लोग सुनते हैं जल्दी से आपका बात की नहीं? नहीं, सुनबे नहीं करते हैं। जब सुनबो करते हैं तो कहता है कि नहीं तो अब ये नहीं है, तो कहते हैं सिस्टर को हम ये भी कहते हैं कि बाबू हमको लिख के दो। तो बाद में क्या कहता है, 200 रुपया लगेगा, हम दे देते हैं यहाँ दवाई, पैसा दोगे ना? तो अंतिम में तो बाबू उसको देना होता है पैसा। मैं चाहती हूँ कि बराड़ी अस्पतालों में जो महिला को मौत हुई है, उनके जिनके लापरवाही से उनकी मौत हुई है, उनको जांच करें और जो दोषी ठहराया जाए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जितने भाई बहनों हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप हमारी मदद कर सकते हैं। सिविल सर्जन का नंबर है 94-7073-75, इन पर कॉल करके दबाव बनावे ताकि हॉस्पिटल में सुधार लाए। मैं हूँ रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया यूनिट के लिए।